रातों रात म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट दिया गया। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जेल में हैं और सेना देश की शासक बन चुकी है। इस तख्ता पलट की दुनिया भर में निंदा हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो म्यांमार को सख्त चेतावनी दे दी है। तो क्या कहा है बाइडेन ने, देखिए ये रिपोर्ट। म्यांमार में हुए सैन्य तख्ता पलट पर अब अमेरिका भी गंभीर हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम उन सभी देशों पर गौर कर रहे हैं जो इस मुश्किल वक्त में म्यांमार के लोगों के साथ खड़े हैं। म्यांमार में हुए तख्ता पलट की निंदा करते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि म्यांमार में लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता के हस्तांतरण को पलटने के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाने के लिए काम करेंगे। साथ ही वहां लोकतंत्र की बहाली के लिए समूचे क्षेत्र और विश्व में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका के सीनेटर बॉब मेनेंडेज ने कहा कि म्यांमार के लोकतांत्रिक नेताओं को तुरंत रिहा करना चाहिए और सेना को खुद सरकार से अलग हो जाना चाहिए। जानकारों का मानना है कि अमेरिका म्यांमार में हुए तख्ता पलट के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। आपको बता दें कि म्यांमार में 8 नवंबर को चुनाव हुए थे। सैन्य शासन खत्म होने के बाद देश में दूसरी बार ये चुनाव हुए थे। म्यांमार की सेना ने चुनाव में धोखाधड़ी की आशंका जताते हुए तख्ता पलट कर दिया है। म्यांमार सेना ने नेता आंग सान सू ची और राष्ट्रपति विन मियंट सहित कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया है और एक साल के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया है। सेना के कमांडर इन चीफ मिंग आंग ह्लैंग ने सत्ता पर कब्जा जमा लिया है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।